नमस्कार, मैं हूँ प्रीतिका मजुमदार। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रो तक चैनल में। और आज मैं बात करने आई हूँ सावन की शिवरात्रि, जो इस महीने 9 तारीख को है, मतलब है कल है 9 तारीख और थर्सडे है। इस शिवरात्रि के महत्व क्या है, क्यों सावन महीने में शिवरात्रि है, क्योंकि शिवरात्रि फागुन महीने में हो चुके हैं ऑलरेडी, और ये जो सावन के महीने में शिवरात्रि क्यों है और इसके महत्व क्या है, आज मैं इसी जानकारी देने के लिए सभी व्यूअर्स को मैं आ जाई हूँ। आज मैं सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस शो में। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, सावन के महीने की पूर्व मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही महीना है जिसमें समुद्र मंथन हुआ है और 14 बहुमूल्य जो रत्न निकले हैं, इसी महीना है सावन के महीने में निकले हैं। परंतु सबसे पहला ही जो समुद्र की जो मंथन हुआ था, सबसे पहला हलहल बीज निकला था, वो बहुत ज़्यादा जहरीला बीज था। बीज इतना बीज की जो प्रभाव था, वो विष के प्रभाव से पूरे जो मानव जाति और पूरे ब्रह्मांड पे उसके दुर्गंध से भर गया था। पूरा सृष्टि का विनाशकारी ज्वाला में सतही घेरने लगी थी वो बीज से। तो तब जाके देव और दानव उनसे बचने की इधर उधर भागते रहे, और विष्णु फिर ब्रह्मा सब लोग पहले तो विष्णु जी के पास गए, उसके बाद ब्रह्मा जी के पास गए, उसके बाद उन लोगों ने इस विष को पान करने के लिए मना कर दिया कि हम लोगों में इतना शक्ति नहीं है, इस ये जो विष है इसको हम अपने आप में धारण करें। तब सभी लोग जाके तब साधना में लीन भोलेनाथ बैठे हुए थे। आखिरकार सारे देवता जब शिव जी के पास आए त्राही माम करते हुए, तब शिव जी ने कहा, ये जो विष है बहुत ज़्यादा विषैला है, इस विष को ग्रहण नहीं कर सकते हम, अगर हम ग्रहण करेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे इस विष से, विष की जो प्रभाव से। परंतु एक उपाय है जिससे हम इस विष को अपने कंठ में धारण कर सकते हैं। तब महादेव भोलेनाथ उन्होंने क्या किया, शंख में सारे विष को भर दिया और अपने उस वो जो विष है वो पी गए और अपने गले में अपने कंठ में वो धारण कर लिया। जैसे ही विष धारण कर लिया अपने कंठ में, इतने में भोलेनाथ जी की जो कंठ नीला पड़ गया और भोलेनाथ की जो विष की जो प्रभाव में भोलेनाथ की अंदर ही बहुत ज़्यादा ज्वाला पैदा हुआ, उनके कंठ बिल्कुल नीला पड़ गया, वो भागते रहे, बेचैन हो गए, इधर उधर भोलेनाथ भागते रहे। इसके बाद उन्होंने भागते मणिकूट पर्वत पर चले गए, परंतु अत्यंत ही उन्होंने इतना इस विष की जो प्रभाव में इधर उधर भागते भागते मणिकूट पर्वत में गए, फिर भी जो विष का प्रभाव कम नहीं हुआ। मणिकूट पर्वत ही वह ध्यान स्थान है जिसे आज नीलकंठों के नाम में जाना जाता है। वह पर उन्हें एक बूटी जो है, उन्हें एक जड़ी बूटी उनको मिला है उस पर्वत में, उस जड़ी बूटी से उनके अंदर जो विष का प्रभाव है उस गर्मी को शांत करने के लिए वो एक बूटी उन्होंने उस पर्वत से मिला, उस बूटी का नाम है भांग। और उन्होंने उस समय भांग की जो पत्ते हैं, उस भांग की पत्तों को रस को उन्होंने पी गए। पीने के बाद उन्होंने बाबा भोलेनाथ खुद ही अस्त व्यस्त हो गए, सुधबुद उनका खो गए, बेहोश हो गए, बेहोश हालत में वो पहुँच गए। इसी में क्या हुआ, सारे जो देवता असुर सब लोग आने लगे और शिव जी के ऊपर पानी का छींटा देने लगे ताकि शिव जी की जो होश जल्दी से जल्दी आ जाए, ताकि उनके होश में आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में बोला जाता है जो माता पार्वती, जो हिंदू धर्म को खराब करने के लिए कुछ लोग बोला जाता है, माता पार्वती ने शिव जी को विष पिलाया, घोट के विष पिलाया, पर यह बात सत्य बिल्कुल नहीं है। पार्वती देवी पार्वती कभी भी शिव जी को विष नहीं पिलाया। जो नीलकंठ में जो जड़ी बूटी था, भांग की पत्ता, वो शिव जी ने खुद अपने हाथों से विष को कम करने के लिए पिया है। उसके बाद
जब उन्होंने बेहोश होने के बाद जो आगे मैं जो बात आपको कहने लगी, ये है वो बूटी जिन जो मनुष्य जो है वो अगर रोज पिए कोई भी मनुष्य, उनका पागल होने की पूरा चांसेस हो सकते हैं। और ये विष जो है भगवान शंकर को घोट के माता पार्वती नहीं पिलाया, उन्होंने शिव जी ने खुद पिया है ये भांग। शंकर ने जीवन में एक ही बार विष पिया जगत कल्याण हेतु। विष के तप से बचने के को भांग का सेवन करना उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक था। भगवान शिव की ऐसी दशा जब वो बेहोश हो गए थे, तब जब भगवान और देवगण और भगवान लोग जब शिव जी के ऊपर जब शिव पानी का छींटा देने लगा, उस वक्त जो शिव जी का होश आया और उसी दिन शिवरात्रि मनाया गया है। लगातार उन पर जो जल का प्रभाव पड़ने लगे, जब देवता गण सब लोग मिलके उनके ऊपर पूरे महीने लगातार उनका जल के सावन के महीने में चतुर्दशी का दिन था वो, और भगवान शिव को विष की तप से कुछ शांति मिले और वे पुनः चेतन अवस्था को लौट आए, तब ये प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में और ये जो शिवरात्रि है इस शिवरात्रि को मनाया जाता है। शिवरात्रि जो है इस सावन की जो शिवरात्रि है ये मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा कल्याणकारी शिवरात्रि है, क्योंकि ये जो चतुर्दशी है इस चतुर्दशी में शिव जी की जो हालत ठीक जो विष के प्रभाव में हालत ठीक हुई है, वो जो बेहोश हो गए थे उस बेहोश अवस्था से होश की अवस्था में वो आ गए थे, और वो होश की अवस्था की आने में जो देवगण और दानव जो देवतागण उनके ऊपर जो पानी का फुहारा किया, इस वजह से सावन महीने की शिवरात्रि को मनाया जाता है। तो सावन महीने की शिवरात्रि इसी वजह से मनाया जाता है, और कहा जाता है इस शिवरात्रि में अगर मनुष्यजन कोई भी भक्तगण कोई भी आप उनकी विश करे, कोई भी इच्छा करे, वो उनका पूरा कर देते हैं, क्योंकि ये सावन की शिवरात्रि इसी वजह से खास है। और जो फागुन महीने में जो शिवरात्रि है जो कि मार्च फरवरी की एंड या मार्च की शुरुआत में आते हैं, वो शिवरात्रि में शिव और पार्वती की शादी हुई थी, ब्याह हुआ था उस दिन। तो उस दिन क्या सृष्टि का शुरुआत हुई थी, उस दिन शिव जी और पार्वती का मिलन हुआ था। तो इस सावन की शिवरात्रि की जो स्टोरी है क्यों मनाया जाता है, आप लोगों को मैंने आज क्लियर कर दिया कि सावन की शिवरात्रि विष पीने से जो शिव जी की कंठ नील हो गई थी, शिव जी जो बेहोश हो गए थे, उसके बाद भांग की पत्ता पीने से वो बेहोशी अवस्था में जाने के बाद देवताओं ने पानी की छींटे उनके ऊपर एक महीना तक उनके ऊपर डालते रहे, अर्पित करते रहे, तब जाके शिव जी की होश आया है। इसी वजह से सावन की शिवरात्रि मनाया जाता है। और ये जो कल का दिन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कल आप लोग सुबह नहा धोकर आप लोग अगर शाम की टाइम है 7:44 से 9:44 तक जो है जो हम जो गृहस्थ धर्म है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, पर अगर कोई तांत्रिक पूजन करते हैं उनके लिए 12:05 से लेकर 12:45 तक वो टाइम बहुत जो लोग तांत्रिक पूजन के लिए अच्छा माना जाता है। और शिव की जो पूजन है शिवरात्रि के पूजन में तो आप जानते हैं गंध पुष्प दूध आपके फूल धुतुरा आप कुछ फल कुछ अपने हाथों से खीर वगैरह बनाइए वो अर्पित कीजिए शिव जी के ऊपर। कम से कम ये आपको नैवेद्य के रूप में आपको फल साथ में मीठा कुछ आपको रखना पड़ेगा। ऐसे आप शिवरात्रि के ऊपर आप अर्पित कीजिए। और एक चीज़ और बात है कि आप लोग आंवले का रस अर्पित कीजिएगा इस दिन, दरिद्र नाश करने वाले हैं आंवले का रस। आंवले का रस से शिव जी की ऊपर अर्पित कीजिए। दुर्बा घास शिव जी के ऊपर चढ़ाइए, दूध चराने के बाद दुर्बा की घास शिव जी के ऊपर चढ़ाइए, इससे भी दरिद्र नाश
कहते हैं, ओम नमः शिवाय का आपको जप करना है, महामृत्युंजय का जप आप जितना मर्जी कर सकते हैं उतना अच्छा, 108 से लेके 10,000 तक आप जप कर सकते हो और उससे अधिक करें तो और अच्छी बात है। तो शिवरात्रि कल के दिन वैसे तो पूरे ही दिन अच्छा है, पर जो टाइम है कुछ 7:00 जो मैंने आपको कहा, गृहस्थ धर्म जो लोग गृहस्थ धर्म करते हैं 7 से लेके 9:45 तक जो टाइम है वो टाइम उन लोगों के लिए पूजा के लिए अच्छा है। तो आज मैं ये आप लोगों को बता दिया है क्यों सावन की शिवरात्रि मनाया जाता है। ऐसे ही आप लोगों के पास छोटे छोटे पूजा पाठ लेके फिर से हाजिर हो जाऊंगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अष्टोत्तक न्यूज़ का।